अस्सलाम वालेकुम वेज, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फिर सफ़र पे निकला हूँ। मेरा सफ़र हमेशा 4 घंटे का ही होता है, 4 घंटे से काम का तो होता नहीं है। तो आज भी मैं निकला हूँ, लेकिन घर से व्लॉग बनाने का कोई इतना टाइम नहीं था मेरे पास। और एक ऐसी खूबी भी है मेरे अंदर जो हर बंदे के अंदर नहीं होती, और वो ये कि मैंने पूरे टाइम पे निकलना होता है। तो पूरे टाइम पे निकलो तो बड़ी मुश्किल से ट्रेन या बस जो भी है वो पकड़ी जाती है, तो फिर ब्लॉग कहाँ से शूट करना है। तो इसलिए अब मैं आधा सफ़र मेरा हो गया, तो आधा सफ़र रह गया, तो मैं जा रहा हूँ चाचू के पास। छुट्टियाँ थी तो मैंने कहा चलो चाचू के पास चलते हैं। ट्रेन चल गई है, ये देखें 1.5 घंटे का सफ़र है। तो इंजॉय करते सफ़र को। मेरा मेन ये प्लान था कि मैं आप लोगों को ये भी सिटी दिखाऊँ, ये भी एक्सप्लोर करूँगा। और मेरे पास है भी टिकट पूरे दिन की थी, मैं पूरा दिन इधर घूम सकता था, लेकिन मसला ये हो गया कि मौसम की वजह से बारिश शुरू हो गई है तो कैंसिल हो गया वो प्लान। तो मैं पहुंच गया हूँ, अभी अभी उतरा हूँ। तो बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है इधर। हमारे उधर थोड़ी गर्मी है लेकिन इधर बहुत अच्छा है ऐसे बिल्कुल, क्योंकि ये जो हिस्सा है जर्मनी का, ये एरिया ये बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के साथ है, बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। इधर से 1 घंटा दूरी पे बॉर्डर शुरू हो जाता है। उस हिसाब से काफ़ी मज़े की जगह है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो अब इधर से घर जाऊंगा, इधर तकरीबन 5 मिनट लगने हैं अभी मुझे चाचू के घर जाते हुए। तो अब इधर से घर जाना है, तो उसके बाद फिर खाना शाना खाएंगे और बाहर निकलेंगे। आज देखने आए हैं एक डैम, ये देखिए घर से जो डैम देखने, ये इधर डैम बना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा है। तो इधर हमने जाना है, तो चलिए चलते हैं फिर। तो डैम के लिए उन्होंने ये सड़क स्पेशल बंद की हुई है कि 3 किलोमीटर लोगों को आगे चल के, 3 से 4 किलोमीटर लोगों को आगे चल के जाना पड़ता है। गाड़ी पीछे पार्किंग है, उधर हम खड़ी करके आए हैं, वो इसलिए कि वो पोल्यूशन नहीं चाहते इधर इस एरिया में। तो डैम का पानी भी इधर उन्होंने स्टोर किया, वो भी पीने के लिए, तो वो साफ़ रखने के लिए सारा माहौल। तो गाड़ी भी नहीं अलाउ इधर। तो ये वो जगह जो मैं देखने आया हूँ, तो ये देखे पीछे, मैं बिल्कुल इस टाइम जंगल के बिल्कुल दरमियान में हूँ, और ये इधर है डैम, ये डैम बना हुआ है ये देखें। और ये सारा पानी पीने के लिए है, मतलब कि उन्होंने पीने के लिए ये पानी स्टोर किया हुआ है। और इधर देखें तो ये जो, ये आपको नीचे पानी नज़र आएगा वो देखें, ये पानी जो नज़र आ रहा है ये सारा नीचे एक चश्मा बांध के फिर नीचे चला जाता है, और ये लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, उधर से अपनी पानी की बोतल फिल कर लेते हैं। और मैंने ड्रोन शॉट्स भी कुछ लिए हैं, तो चलिए वो देखते हैं फिर। तो डैम देख लिए, तो अब डैम देख के वापस जा रहे हैं शहर की तरफ। मुझे इतनी खुशी होती है इस तरह की जगह पे आके, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चारों तरफ सब्ज़ा, दरख्त हैं बहुत बड़े बड़े, ये देखें चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, और कुछ भी नहीं नज़र आता। ये देखें कितने प्यारे रोड बने हुए हैं, इतना सुकून होता है ना कि ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल साफ सांस बंदा ले सकता है, ऑक्सीजन बहुत क्लियर है, कोई पोल्यूशन नहीं है इधर, ऐसे लगता है बिल्कुल फील होता है। जहाँ हम रहते हैं उस तरफ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, उधर जंगल नहीं बने हुए इस तरह के। अगर कोई जर्मनी में रहता है तो शहरों में रह रह के तंग आ गया, तो वो इधर आ सकता है। इधर पुरसकून माहौल है, इतना सुकून है जिसका हिसाब कोई नहीं, कोई आवाज़ नहीं, परिंदों की भी आवाज़ नहीं आ रही। तो आज परिंदे भी लगता है छुट्टी पे हैं, कोई आवाज़ नहीं परिंदों की भी। ये पीछे लोगों के घर भी बने हुए हैं, इधर लोग रहते हैं, जंगलों में भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं रहने के लिए। और इस डैम की लंबाई तकरीबन 9 किलोमीटर तक है, इन्होंने ये सारा पानी इधर पीने के लिए स्टोर किया, फिर भी उस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा है। तो ये इधर का मार्क प्लस मेन सिटी सेंटर, सिटी सेंटर अगर ये गांव है तो उसका सेंटर, उसको कहा जाता है मार्क प्लस।
काफ़ी बड़ा सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है, दूर दूर तक घर हैं और बीच में सारी जगह उन्होंने रेस्टोरेंट इधर बने हुए हैं, पूल लगे हुए हैं, उधर बच्चों की खेलने की जगह है पीछे, तो ये सारा उन्होंने काफ़ी प्यारा बनाया। और ये सुनने में ये आया है, मैंने कंफर्म नहीं किया लेकिन सुनने में ये है कि ये जर्मनी का सबसे बड़ा मार्केट, मतलब कि शायद शहर के हिसाब से जितना बड़ा शहर या गाँव है उस हिसाब से लेकिन ये सबसे बड़ा है। लास्ट टाइम मैं आया था जब इधर, तो इधर ये पानी इधर से भी निकलता है, ये सारे पानी के पॉइंट्स हैं ये नीचे ज़मीन में, ये वाले सारे इधर से पानी निकलता है, लेकिन आजकल उन्होंने बंद किया हुआ है, कोई रीज़न होगी इसलिए इधर वो क्रिकेट खेल रहे थे लड़के। तो यही इधर का मार्केट प्लस है, काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी इंजॉय करने की चीज़ें हैं इधर। तो अब मैं घर जा रहा हूँ वापस चल के, तो आज के लिए काफ़ी हो गया क्योंकि सफ़र भी किया था और पहले बारिश ने मूड ख़राब कर दिया कुछ, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो ही गया है, मौसम ठीक हो गया था आखिर पे, तो अब घर चल के जा रहा हूँ। तो अगर तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।